तो जी फ्रेंड्स, मैं अभी मौजूद हूँ इधर लोकल मार्केट में। तो ये एक लोकल मार्केट में है सेल्स वे मार्ट, तो इसमें मैं ज़रा चेक कर रहा था। तो मैंने कहा चले आए इसके लिए जो है वो अपलोड करें जी अपना व्लॉग, एक जो है वो इसके रेट्स के मुतालिक, और जो देखना चाहते हैं कंपैरिजन करना चाहते हैं जनाब इंडिया में, पाकिस्तान में, कनाडा में, कहीं पर भी उसके कंपैरिजन रेट्स का कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान से दुबई चले। मैंने पहले अनु को भेजा था कि उनसे इजाज़त लें तो पूछ लें, रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा जी आप शूट कर सकते हैं। तो माएँ ताकि इधर सेल्स भी मार्ट में आज ज़रा थोड़ा सा, ये छोटी सी मार्ट है उसमें हम थोड़ा सा देख सकें थोड़े रेट्स के मुतालिक। जो सबसे पहले जाते हैं दूसरे पोर्शन में, ठीक है जी। सबसे पहले इधर मतलब सारी चीज़ों को विज़िट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सबसे पहले आते हैं जी डिटर्जेंट्स के बारे में। तो देखें ये है जी सर्फ एक्सल है और एरियल है, और एरियल के प्राइस हैं जी 340, 1 kg का 340 है। फिर है वी सीरीज़ और इसके प्राइस हैं 70, और इसी तरह बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी है। और पाकिस्तान में या दूसरी जगह पे भाई टाइड की मशहूरी आपने देखी है, ऐड देखी है, तो इसमें देखें जी टाइड हमारे सामने है। और टाइड के प्राइस क्या हैं, एवरीडे लो प्राइस से 4, ऑफर प्राइस है जी 78। तो चलें जी, ये डिटर्जेंट्स हो गए, और नीचे ये भी लिक्विड जो है उसमें है। तो साइड में इसके है जी ये सारा जो है वो हार्पिक पावर है, और हार्पिक है यहाँ पे 131 का, और नेपाली रुपीस में आपको बता रहा हूँ। और ये इसी तरह मिस्टर मसल है, और इसके बाद ये काफ़ी मशहूर लग रहे हैं, इसके काफ़ी बैंड्स हैं ऊपर। और लाइजोल की एड देखी है, लाइजोल 145, और इसी तरह ये और चीज़ें जो है, और यहाँ पे जो बर्तनों के लिए डिश किंग उसके प्राइस हैं। फिर ये प्रिल है, किससे ये प्रिल से जी। और अनु बता रही कि प्रिल से बहुत अच्छे से साफ़ होता है, और इसके प्राइस है 138, और इसके 150 ऊपर है, तो उन्होंने ऑफ़र दी है, और इसमें जो सेव करेंगे 12 रुपये, और ये 138 का है। और इसी तरह जो है आप देखें नीचे भी ये सारी चीज़, ये फिनाइल, और इसी तरह ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता जाता हूँ। ये टिशू है, टिशू काफ़ी एक्सपेंसिव लगते हैं, और ये हैं जी 210 रुपये का, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। और ये है जी पैसियो, और इसके बाद आ जाएं ये चीज़ें नीचे हैं जी ये चीज़ें, और ये ऊपर जो है ये पैर में है, ये 400 के हैं दो, यानी कि 200 का ईच। और इसी तरह ये आ जाएं जी टिशू, ये सारे इस तरह पड़े हुए हैं, और ये जो है कूल एंड कूल, और ये जो वेट वाइप्स हैं ये 360 के हैं, ये वेट वाइप्स महंगे हैं, ये वेट वाइप्स 105 रुपये के हैं, मतलब थोड़ा कहीं कहीं एक्सपेंसिव भी है, और कहीं कहीं ये थोड़ा इसके प्राइस लो भी हैं। और ये टोटल जो है बैग है ये तकरीबन कितने का जी, 4 है, तो ये 260 का है, ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है इधर, तो ये तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये देखें ये 2 रोल हैं, और सिर्फ ये 425 नेपाली रुपीज़, और तकरीबन ये पाकिस्तानी बन जाएंगे जी तकरीबन 650 के करीब। और जो पैम्पर्स हैं उसमें देखें जी पैम्पर्स 1086, और इसी तरह 1086 ये है जी 1726 का, ये सारे नेपाली रुपीज़ हैं। और अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखना चाहें तो वो आप गूगल पे जाके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तमाम स्टॉक जो है पैम्पर्स का है, और इसी तरह ये बेबी पैंट्स है, ये भी इसी तरह ये जी 896 का, और टोटल प्राइस है इसके जी 1155। तो इस पर उन्होंने ऑफ़र दिया जिसकी वजह से आप 224 रुपये बचा सकते हैं। और मैमी पोको पैंट्स, मैनी पोको पैंट्स, और ये भी ऐड देखी है जी 1400 तकरीबन 1500 रुपये का है। और इसी तरह काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो मैं इसके बस थोड़ा सा व्यू आपको करवाता जाऊँ। और ये जो है इधर यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, तो ये आप देखें ये
प्राइड प्लान है और इसकी कीमत तो ऊपर शायद मेंशन है 1650 रुपये, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और इस तरफ देख लें जी, जो हर रोज़ सुबह ज़रूरत होती है ब्रश, तो इनके प्राइस तो मेंशन नहीं है ऊपर, लेकिन दिखा देते हैं। नहीं, इस भी ऊपर मेंशन नहीं है। ये जी इधर है, ये सारे ऑयल है, ऑयल है आप देख सकते हैं जी, सिल्क शाइन ऑयल है, तो वेपर रब है, और इस तरह मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप डेली में यूज़ कर सकते हैं। डाबर आमला जो है, डाबर आमला इधर है जी 305 रुपए का डाबर आमला। और ये इसी तरह दोबारा ब्रश है, और ये जो है बर्तन धोने के अलावा इधर साबुन है, ठीक है जी। छोटी सी मार्ट है, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये मेन हाथी घोड़ा में हमारे घर के करीब ही बिल्कुल ये जगह है, तो इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा चलो यार दूसरी जगह पर व्लॉग जो है एंटर कर रहे हैं, तो फिर ये जो है बच्चों के लिए जॉनसन एंड जॉनसन और ये सारे मतलब उनकी किट है, तो ये आप देखिए सारे इधर जो है वो उन्होंने इस तमाम जो है इधर वो किट्स मौजूद हैं। तो ये इधर मैं बैग जाता हूँ, और ये खास तौर पर लेडीज़ का जो है इधर सेक्शन है, यहाँ पे क्रीम्स हैं, गार्नियर की है, पॉन्ड्स हैं, और साथ ये एक और कंपनी है जो इधर आके मुझे पता लगी है जी, जॉय हनी एंड एलरेंस में इधर नहीं है, तो हिमालिया उधर है, निविया है, और ये नहीं। और जो आप पाकिस्तान में जो ज़्यादा मशहूर है वो है जी पेंटिंग, यहाँ पे मौजूद है, और पेंटिंग का अगर रेट है जी ये वाले सामने है ये 510 रुपये, और ये नेपाली रुपीज़ में NRS जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे है नेपाली रुपीज़ में जो है वो रेट्स है, और ये 490, और पाकिस्तान में तकरीबन इसकी ये प्राइस है, लेकिन जब इसे कन्वर्ट करेंगे हम तो नेपाली रुपीज़ को पाकिस्तानी में तो फिर ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा, मतलब पाकिस्तान से ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही महंगा मुझे लग रहा है। उप्स, पीछे बॉटल्स थी और मैं बॉटल्स के ऊपर ही जा रहा था इतना। चले ये आ गया जी लैक्टोजन, लैक्टोजन है जी इधर, इसके प्राइस हैं 660, देखिए नहीं 660। आप भी आ जाओ अनु, आप भी बताओ अभी थोड़ा सा आके इस सेक्शन के बारे में आप बताओ जी। ये भी बच्चों के मुतल्लिक है, चोकोज हैं ये, कॉर्नफ्लेक्स है ये 575 के और 620 के, इस तरह ये सारी चीज़ें जो है इस तरह। और ये है जी इस तरफ कॉफ़ी वाला, कॉफ़ी है, मैक टी है, और ये सारे कॉफ़ी के स्टॉल हैं। और ये कौन सी है, इसका नाम जो नेपाली में लिखा टोक लाचिया जी, बहुत फेमस है इधर। ये कॉफ़ी है जी? नहीं, चाय है, पत्ती है जी। ये क्या है, इसका नाम है टोकलाची। हाँ ये तो लिखा टोकला टी, टोकला टोकला जी, चाय को टी। अच्छा टोकला कहते हैं टी को? नहीं नहीं, इसका नाम है, इस पत्ती का नाम है जी टोकला। और ये ऑर्गेनिक, जैसे आजकल ट्रेंड चल गया जी ऑर्गेनिक जो फूड्स का, तो ये नेपाली ऑर्गेनिक है, और जिसमें कोई मतलब फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं हुआ। तो इसी तरह आ जाते हैं जी ये सेक्शन इस तरफ, वो बेबी सेक्शन जो आपको दिखाया, ये वो कह रही हैं क्या, कौन सा सेक्शन है ये सारा मसाला, वो कह रही हैं ये सारा मसाला क्या है, मसले से मतलब क्या है, मसाला, ठीक है जी, ये मसला है ये वाकई एक बड़ा मसला है, ये आप देख सकते हैं सारे मसाले हैं यहाँ पे। और इसी तरह तो मेन ये सारा मसला है यहाँ पे, नमक और मिर्च का जो है, ये टर्मेरिक है यानी कि हल्दी, उसका रेट है 335 रुपये, और मिर्ची है 295 रुपये। और मैंने यहाँ पे आके ये देखा है कि यहाँ पे चीज़ें जो है बिल्कुल खालिस हैं, मतलब हर एक चीज़ का टेस्ट बहुत है। और ये बीन सेक्शन है यहाँ पे, यानी दालें वगैरह और चीज़ें जो है यहाँ पे आप देखें, ये सारा सेक्शन इसमें है। और चने की कीमत मैं देखना चाहती, चने की कितनी है प्राइस देखना, चने तो नज़र नहीं आ रहा, वाइट ये 220 130, तो पाकिस्तान में 130 है, लेकिन अगर नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 200 के पाकिस्तानी रुपीज़ में बनेंगे। तो ये दाल है इधर, और आपको जो है वो साला मसूर नहीं मिलेंगे यहाँ से, बस ये
एक जो है दाल में सारी देखें, और ये चावल हैं, ये सारे चावल हैं जी। ये तमाम आप देख लें जनाब, ये चावल की सारी क्वालिटीज़ हैं और ये अलग अलग क्वालिटी है और अलग अलग उसके प्राइस हैं और डिफरेंट इसकी पैकिंग्स हैं। और ये सामने ऑयल हैं, आजकल जो पाकिस्तान में जो जी ऑयल थोड़ा सा महंगा और घी जो है वो महंगा है, इधर भी प्राइस चेक कर लेते। अब ये मतलब ये बैग जो है जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपको क्लोज़ करके मैं बताता हूँ जी, जूम करके, 2895 का, ये पता नहीं 10 किलो का या 15 किलो का, तो इसके प्राइस हैं 3000 चावल। तो आप देख लें जी पाकिस्तान में कितने रेट का फ़र्क है। और अभी आ जाते हैं जी ऑयल की तरफ, और ये जो है सफोला गोल्ड, ये भी इंडियन इम्पोर्ट है और इसके क्या प्राइस हैं जी, तकरीबन 1300 के करीब हैं। और इसी तरह दूसरे ऑयल हैं, और यहाँ पे जो एक पैकेट है यहाँ पे ऑयल वाला एक पैकेट जो है वो है जी 188 का, तो तकरीबन आजकल जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है उसके शायद ये बराबर ही हो, मतलब ये इतना महंगा नहीं है। बाकी आप देखें ये दूसरा सेक्शन जो है, इधर लेज़ वगैरह चीज़ें हैं, कुरकरे, और ये कुरकरे का बता दें जी, बड़ा पाकिस्तान में जो पसंद किया जाता है, पकड़ना भाई, ये जो आजकल हम उधर खाते हैं अमेरिकन स्टाइल, ये जो ये नहीं आई है, ये मसाले वाली है, इसके प्राइस ऊपर कोई नहीं लिखे हुए, मेंशन नहीं है, जैसे पाकिस्तान में ऊपर ही लिखा होता है 20, 30, 50, इधर नहीं है प्राइस मेंशन नहीं है। तो इधर आ जाएं, ये निम्को, इधर डिफरेंट जो हैं ये दूसरे हैं, कौन सी है जी, फॉर योर फैमिली गुड हेल्थ, और यहाँ पे निम्को, टोटल सारी ये चने हैं। और ये मैं जब थाईलैंड जाऊँगा फिर यहाँ से लेके जाऊँगा, ठीक है जी। ये इसके प्राइस हैं 170, बहुत महंगे हैं वैसे। और ये नमक पारे, नमक पारे यहाँ पे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये 160 रुपये का। इसी तरह ये मीठे भी हैं, इसमें थोड़े से नमकीन भी हैं, यह सारा सेक्शन है। और मेन जिसके बगैर भी आजकल गर्मी आने वाली है, और पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। और कोका कोला जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे बहुत ज़्यादा जो है वो पिए जाने वाला ड्रिंक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका रेट भी। अगर आप कोक देखें, ये 2.25 लीटर वाली है और इसका 210 रुपये, और पाकिस्तान में जी हम ख़रीद रहे हैं 105 रुपये में, स्प्राइट ये भी 210 में, और ये फंटा है ये भी, हाँ फंटा ये भी 210 रुपये में। और एक आपको लीटर जो है जो पाकिस्तान में हमें मिल रहा है जी, जो लीटर है ये वाली बॉटल, तो इधर है ये 110 रुपये की, ये शायद 1.5 लीटर की है, ये लीटर है, तो पाकिस्तान में ये 100 रुपये की मिल रही है, और इधर ये 110 रुपये की। अगर नेपाली रुपीज़ में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 175 के करीब ये पाकिस्तानी रुपीज़ में चली जाएगी। कन्वर्ट करें, ये इधर जूस वगैरह हैं सारे, एप्पल जूस है, यहाँ पे लोकल कंपनी है, मैरी गोल्ड है और रियल है, और इस तरह मतलब गोल्डन सर्कल, ये मुख्तलिफ जो है। और टैंग गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और इसके टैंग के मैं प्राइस देखूँगा, और टैंग के प्राइस देख के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और टैंग के प्राइस इतने पैकेट के 1435, ये जार 1435 का, वो हो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। तो भाई ये कोल्ड ड्रिंक वाला सेक्शन जो है ये बड़ा एक्सपेंसिव है, और अभी ये भी सारा सेक्शन जो है वो निम्को वाला सेक्शन है, और इस सेक्शन में चले ही जाते हैं। और यहाँ पे जो एक बात जो ख़ास है वो भाई, इधर एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मैं तो पीता नहीं हूँ, ना हम ये पीने की तालीम देती हैं कि पिए जी, लेकिन आपको दिखा देता हूँ इधर विज़िट करते हुए। ये जी सारी जो हैं वाइन्स और मतलब समझ ले कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और ये फ्रीज़ जो हैं, ये बताना मुझे क्या क्या है ज़रा बता। ये इधर का जी मशहूर जो चीज़ है वो है मोमो, और उसके अलावा ये उसके डिफरेंट जो हैं वो समोसा है, और फ्रेंच फ्राइज जो फ्रीज़ है, और इसमें आप इधर से लेके जा सकते हैं। इसके क्या प्राइस है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोमो का प्राइस है ऊपर लिखा हुआ, चेक कर लो खोल के दूसरी साइड पे, नहीं है इसमें नहीं है। और ये साथ जो है हॉट डॉग्स है ना, ये हॉट डॉग है, और दूसरा मीट है। और इस सेक्शन में जो हमारे प्यारे लोग कभी कभार पाकिस्तान में पी लेते हैं,
तो अगर इधर हो तो इधर तो ये बहुत चीप है और ये वाइन है, और यहाँ पे जो ऊपर है इसे कहते हैं जी रूमर्स, और ये वाली है जी गॉसिप्स, और इनके रेट ऊपर क्या लिखे हुए हैं जी 1450 में इतनी बड़ी बॉटल मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे लीगली आप पी सकते हैं, और लीगली आप पी सकते हैं, और शायद लोग जो हैं इधर वो दूसरी ये देखें फ्लिट वोट का, और वोट का देखें जनाब इसके प्राइस हैं 3800। हाँ इसकी शेप बहुत ज़बरदस्त है बॉटल की, ये 3880 नेपाली रुपीज़ में आपको मिलती है, और ये है दूसरी इसे कहते हैं जी स्टोली सॉल्टेड। मैंने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी वाइन्स और शराब, पहले शराब भी ये देखें पहली दफ़ा देखें, ये ओल्ड दरबार है और ये इसके प्राइस हैं 2300, और इसी तरह बहुत नीचे नीचे आते हुए ये है हाईलैंडर, और ये अनु दिखाना चाह रही है जी ये बॉटल में है, देखना गिरना जाए बस, ये तलवार बनी हुई है और इसमें जी अब ये कि इसको नाम है क्रोनेशन, और इसके कितने प्राइस हैं जी, इसके प्राइस हैं 1850, और ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल डैगर की तरह जो है वो उसको बनाया हुआ है, और ये देखें ओल्ड दरबार रॉयल, और यहाँ पे है स्काई वॉर्ड का, इसके प्राइस हैं 4400, फिर जिम बीम बॉर्न, और इसके बाद जो ये नाम इधर चलता है जी रेड लेबल, रेड लेबल जो है वो है 6000 की एक बोतल, ऊपर जॉनी वॉकर है 16000 की, जो अभी सबसे महंगी मैं अभी देखी है जी जॉनी वॉकर ये 16, और ये देखें किंग रॉबर्ट काफ़ी क्वालिटी में वही पड़ी हुई हैं, देखें ज़रा जो मैं तो पीता नहीं हूँ, जो भाई पीने वाले हैं या शायद नहीं पीते, लेकिन ये है कि मैं इसमें ये नहीं है कि भाई ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि पिए या इसको देखें, मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ कि नेपाल में किस तरह मतलब ये खुले आम जो है वो बिकती हैं। ये बकार्डी ब्लैक है, और इस तरह ब्लू रिबेंड है, और इस तरह ये क्या है वॉग, और ये जो मतलब काफ़ी इम्पोर्ट इन्होंने की है, क्योंकि यहाँ पे लीगली तौर पे आप पी सकते हैं, क्यों उन्होंने बताएं आप लीगली इधर लोग पी सकते हैं, सही है जी, इधर लीगली तौर पे लोग जो हैं वो पी सकते हैं, और इधर सेक्शन जो है ये है छोटा सा उन्होंने फ्रेश जो है वो दूध का, और साथ मतलब ये जो अमूल के जो चीज़ हैं अमूल सैंडविच हैं, और यहाँ पे जो आ जाएँ जी ये इसे क्या बियर है, ये है जी बियर है जी क्रोना एक्स्ट्रा, और उसके बाद किंग फिशर है, उसके बाद वॉरसाइनर है, फिर उसके बाद टुबोर किधर ज़्यादा चलता है ना, टुबोर किधर का फेमस है जी, ये शायद थाईलैंड मलेशिया में भी चलता हो, लेकिन अभी तो मैंने उधर जाना है, उधर जाके देखेंगे जी। और ये पानी की बॉटल्स हैं, और पानी के इसके क्या प्राइस हैं जी, नेपाली आइस नटूरा कैन 12 पीस जो हैं वो आते हैं 240 के, तो जो है सेव नहीं नहीं मतलब ये है कि अगर लेते हैं 2600 इसके प्राइस हैं, और इसमें ये आपको 2400 में मिल रहे हैं जिसके 12 पीस, काफ़ी महंगा पानी है भाई। और ये इसी तरह बियर्स के कैन हैं, जूस के कैन हैं, और ये देखें भाई ये तो बाकी कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने वैसे रखी हैं, और बियर जो हैं ये इसमें फ्रिजेस में बियर लगी हुई है, नेपाली आइस बियर है, फिर इसके बाद अर्ना लाइट है, पता नहीं इतनी क्वालिटीज़ भाई जूस में नहीं है हम, और ये देखें कोरोना एक्स्ट्रा जो कोरोना वायरस का है आजकल चक्कर चला हुआ है इधर, कोरोना एक्स्ट्रा जो है वो ये बियर है, और पता नहीं किस तरह भाई पीते होंगे या जो पीने वाले होंगे नहीं पता होगा इसका टेस्ट, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैंने वीडियो अपलोड करते हुए साथ ही ऐड कर दिया, दोस्त देखें जी कितनी क्वालिटीज़ की इधर जी वाइन्स हैं, और ये वाइन जो है ये है वाइन बड़ी सस्ती है, इधर है जी 585 की किंग्स हिल, और इसी तरह ये टोटल जो है ये वाटर है, और इस तरह इनका ये मेन सेक्शन जो है इधर बिस्किट्स हैं स्नैक्स हैं, और आप देखेंगे इनके प्राइस जो हैं ये भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, ये लास्ट में है, और इसके आप देखेंगे ये प्राइस है 40 रुपीज़ का सिर्फ इतना पैकेट पार्ले जी का 40 का भाई देखें तो इतने में 40 में हम 4 पैकेट मंगवा लेते हैं वहाँ पर, ये क्रैक एंड जैक पार्ले का, और इसके प्राइस हैं 25 ओरियो, उसके 130